जामिया मिलिया इस्लामिया के डिप्लोमा इंजीनियर के एक छात्र को अमेरिका की एक कंपनी ने 70 लाख के सालाना पैकेज पर नौकरी दी है। कौन है वो छात्र और क्या उनका प्रोजेक्ट है या क्या उन्होंने किया है ऐसा कि उनको इतनी सैलरी एक अमेरिका की कंपनी ने दी है, इस पर बात करने के लिए खुद वो छात्र हमारे साथ मौजूद है, मोहम्मद आमिर अली। आमिर, बहुत बहुत मुबारक हो तुमको। क्या किया है आपने, क्यों दे रही है आपको अमेरिका की कंपनी इतनी सैलरी? सर, बेसिकली वो कंपनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है अपना, और वो अभी स्टार्ट करने वाली जनवरी में उनकी चार कार है, बेसिकली प्रोटोटाइप्स हैं। उनमें से एक प्रोटोटाइप्स हैं उनके, उनमें से एक कार है जो जनवरी में लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। उस कार में सर एक सोलर सिस्टम और प्लग इन सिस्टम रखा जाएगा, और इसलिए उस कार में जो चार्जिंग की सबसे ज्यादा जो दुनिया में सिस्टम देख रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल, सबसे बड़ी प्रॉब्लम देख रही है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। चार्जिंग की जो प्रॉब्लम है वो सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जिंग का, ठीक है, बेसिकली। तो उस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए वो कहीं हर जगह से टैलेंट निकाल लें। अच्छा, तो हमारे जामिया इस्लामिया पे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट था जो पी इलेक्ट्रिक कार हमने बनाई थी। अच्छा, हमारी वेबसाइट के ऊपर यानी जामिया मिलिया की जो वेबसाइट है उसके ऊपर एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पड़ा हुआ था, ठीक है, उसको देखकर इस कंपनी ने अप्रोच किया। जी सर। क्या नाम है कंपनी का? फ्रेजन मोटर वर्क्स। फ्रेजन मोटर वर्क्स, ठीक है। वो कंपनी है इस टाइम वो जो मुझे लेके जा रही है वो इस चार बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम पहले अच्छा से अच्छा हो, क्योंकि जब अच्छा होगा तो उसके बाद फिर हम चार्जिंग को और अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, इससे हाँ, अगर ये इसमें कामयाब होते हैं आप अपनी इस रिसर्च में जिसके लिए आपको लेके जा रहे हैं, तो इससे क्या कुछ रिवोल्यूशन आएगा, क्या कुछ होगा ये बताइए। अभी तक की चार्जिंग होती थी वो कुछ ना कुछ कॉस्ट पड़ रही थी, बट जब ये अगर इंट्रोड्यूस हो जाएगा रियल बन जाएगी और प्रोजेक्ट हमारा क्योंकि एज अ रियल सबके सामने आएगा, तो उस टाइम जो कॉस्ट पड़ेगी चार्जिंग की वो अप्रोक्सीमेट जीरो के आसपास पहुंच जाएगी। जीरो कॉस्ट हो जाएगी चार्जिंग की? जी। कितनी देर में ये चार्जिंग हुआ करेगी? 10 से 15 कोई कार अगर बैटरी की कार है तो कितनी देर में चार्ज हो जाएगी? 10 से 15 मिनट सर। 10 से 15 मिनट में पूरी गाड़ी चार्ज हो जाएगी? Yes. अभी कितना टाइम लगता है मिनिमम? अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है उसमें दिखा बोलते हैं कि एक घंटे में चार्ज हो जाती है। अच्छा। बट अभी इंडिया में जो हो रही है वो 6 से 8 आवर्स में हो रही है। 6 से 8 घंटे में अभी इंडिया में जो बैटरी से चलने वाली गाड़ियां हैं वो चार्ज होती हैं, लेकिन जो एक विदेशी तकनीक नई आई है उसके हिसाब से 1 घंटे में गाड़ी तकरीबन चार्ज हो जाती है, लेकिन वो भी इंडिया में नहीं आई है। और आमिर की जो रिसर्च है, जो टेक्नोलॉजी आमिर इजाद करने जा रहे हैं, वो अगर पूरी तरीके से जो है सक्सेसफुल हो जाती है तो जीरो कॉस्ट आएगी चार्जिंग में और मुश्किल से 10 मिनट में गाड़ी चार्ज हो जाएगी। यही वो खासियत है जिसकी वजह से अमरीका की कंपनी ने आमिर को नौकरी पे रखा है। आमिर, ये बताओ, ये जो तुम्हारा तुमने रिसर्च पूरी करी थी ये क्या तुम्हारे कोर्स का हिस्सा था, जामिया में तुम्हें पढ़ाया गया था? नो सर, ये कोई कोर्स के स्टैंडर्ड कोर्स में सिंपली सब्जेक्ट्स पढ़ाया गया था, मैकेनिकल से रिलेटेड जितने सब्जेक्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी भी था सब्जेक्ट, बट ये प्योरली इलेक्ट्रिकल का है सारा। जी, प्योरली इलेक्ट्रिकल है, यहाँ से जो मुझे इंस्पिरेशन आइडिया जितना सब कुछ नॉलेज मिली है कहाँ से, वो मेरे फादर ने दी है। अच्छा, आपके फादर का पूरा नाम क्या है और वो क्या करते हैं? वो जामिया इलेक्ट्रिशियन है। अच्छा, जामिया में ही इलेक्ट्रिशियन है? जी। अच्छा, और उनका नाम मिस्टर शमशाद अली है। शमशाद अली है, अच्छा। उन्होंने बेसिकली मुझे हर जगह से जहाँ जहाँ क्वेश्चन पूछता था इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड मुझे नॉलेज दे रहे थे, इवन उनके पास अगर नॉलेज नहीं होती तो वो गूगल सर्च करते थे, बाकायदा उन्होंने बुक्स भी स्टडी करी है कि मुझे वो जवाब दे सकते। तो आप देखिए कि बेटे के सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जो बाप है वो किताबें पढ़ता था, गूगल सर्च करता था और उसके बाद बेटे को जवाब देता था, और कई बार शायद ऐसे भी सवाल होते होंगे जिनके जवाब नहीं दे पाते होंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आप ऐसा कोई सवाल बेसिकली मैंने अर्थिंग का पूछा था कि अर्थ में जब शॉर्ट सर्किटिंग वजह से करंट जा रहा है तो वापस क्यों नहीं आ रहा है। अच्छा, जिस तरह से बीज जो है हम बोते हैं जमीन में तो वो पौधा बन के बाहर आ जाता है, ऐसे ही वो भी बाहर आना चाहिए, ये कह रहे थे? जी, बट उनके पास वो आंसर नहीं था और ना कई जगह ढूंढा, तो अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं लोगों को क्या आना भी चाहिए, क्यों सोचा नहीं, क्योंकि अभी तक हमने बुक्स में जो पढ़ा वो चले आता है, वही चल रहा था, क्योंकि वही अभी तक अर्थिंग के जरिए जो है वो एक तरह से जो इलेक्ट्रोड्स है वो नीचे जाते हैं, यही है? जी, इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। अभी तक कोई ऐसे नहीं है कि हम वापस लेने की सोचें, अभी तक ना बुक्स में कोई ऐसा है, जब तक आइडिया नहीं हुआ तो इंसान वर्क नहीं करेगा। अभी फिलहाल पता नहीं किसके पास ये आइडिया है, बट मैं अपने जो प्रोजेक्ट चल रहा है मेरा इसी आइडिया के बेस पे चल रहा है और ये हमारा टारगेट है। चलिए, आखिरी सवाल है, बीटेक में एडमिशन क्यों नहीं लिया? बीटेक में एडमिशन ट्राई किया था काफी, बट कितनी बार? 3 बार। 3 बार ट्राई किया था, फिर फाइनली डिप्लोमा में ले लिया? नहीं, वो 12th के बाद 1 साल ट्राई करा, वो हुआ नहीं, फिर देन घर की प्रॉब्लम थी, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, और इसलिए मैंने फर्स्ट टाइम डिप्लोमा एडमिशन ले लिया, अगले साल भी, बट अगले साल भी उसके डिप्लोमा के साथ साथ बीटेक भी ट्राई किया, बीटेक में दोबारा नहीं हुआ।
फिर बेटा सेकंड ईयर में जब डिप्लोमा सेकंड ईयर पहुंचा बेटा फिट आएगा नहीं हुआ, लेकिन ये जो तुम्हारा आइडिया था ये काम कर गया। जी बिल्कुल, चलो बहुत बहुत मुबारक हो आमिर। तो आमिर की जो कहानी है वो हर एक छात्र के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए एक इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा स्रोत है, और लोगों को इससे सीखना चाहिए कि भले ही आप किसी अच्छे कोर्स में एडमिशन लेने में कामयाब ना हो सकें, लेकिन लगातार मेहनत से और आउट ऑफ द बॉक्स सोचने से, कुछ अलग सोचने से आप बहुत कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ जिन लोगों ने शायद डिग्री करी हुई होगी, बीटेक किया होगा, वो इतनी अच्छी नौकरी नहीं पा पाए होंगे जो कि आमिर ने हासिल कर ली है, और वो भी इतने हम्बल बैकग्राउंड से होने के बावजूद।